हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम रहे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 98 की क्लास 9 के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट एंड इसकी 25 फरवरी 2022। आप अपना नेम अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम कार्य तथा ऊर्जा का रिविज़न करेंगे। आपको पता है जो वस्तु गति करती है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, और वस्तु विराम अवस्था में तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती, जैसे बहता जल, लुढ़कता गिरता पत्थर, चलती कार। अब गतिज ऊर्जा होती क्या है? वस्तु की गतिज ऊर्जा उसको परिभाषित किया जा सकता है कि किसी वस्तु की गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब गतिज ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक दो हैं, वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का वेग। अगर अधिक द्रव्यमान होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी, और अधिक वेग होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिक होगी। दोनों केसेस में अधिक अधिक होगा तो अधिक अधिक ही होंगी। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का समीकरण। अब गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी हम देख लेते हैं। आपको पता है द्रव्यमान को एम और जो स्टार्टिंग का वेग होता है उसे हम यू से डोनेट करते हैं। अब किसे एक बल लगा रहे हैं उसमें कार्य ए त्वरण के उसके वेग वी और एस तक दूरी विस्थापित करता है, अतः हमारा कार्य इज इक्वल टू एफ इंटू एस यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब गति के दूसरे नियम से हम एफ इज इक्वल टू एम ए यानी एफ को जगह एम ए भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया। अब गति के तीसरे समीकरण से हम कह सकते हैं एस इज इक्वल टू वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर अपॉन में टू ए, तो हमने एस की जगह ये भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। अब आपको पता है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी, ये जो टू है ये इधर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो ये तो कट जाएगी। बचा गया हाफ एम और वी का स्क्वायर, तो वही हमारा फॉर्मूला बन गया हाफ एम वी का स्क्वायर। यदि वस्तु विराम अवस्था में हो तो यू ज़ीरो होगा, अतः विराम अवस्था में एक वस्तु की गति ऊर्जा शून्य होती है, तो ये हमारा फॉर्मूला। आप इसे याद ज़रूर रखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है गति ऊर्जा को परिभाषित कर उसके सूत्र भी लिखिए, तो आप यहाँ से लिखेंगे किसी वस्तु के गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है एक गैराज में खड़ी कार की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो आपको आपको भी पता है एक गैराज में खड़ी कार की जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य होगी, क्योंकि कार विराम अवस्था में है। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है गतिज ऊर्जा किन कारक पर निर्भर होती है? तो वस्तु का द्रव्यमान, अगर द्रव्यमान अधिक होगा तो गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और वस्तु के वेग में यानी अधिक वेग होगा तो अधिक गतिज ऊर्जा होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपको 7 मीटर पर सेकंड की गति करती हुई वस्तु जिसका द्रव्यमान एम है उसकी गतिज ऊर्जा आपको बता रखिए 25 जूल। यदि वेग को दुगना कर दी जाए, वेग हमारा 7 है, दुगना करेंगे तो 14 मीटर पर सेकंड, तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा को अगर हम वेग को दूना कर रहे हैं तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी वो हमें बताना है। तो वेग हमारा 7 मीटर पर सेकंड है, द्रव्यमान एम है, गतिज ऊर्जा 25 जूल, तो और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, इसको हम 25 जूल के बराबर रखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या हमारा जो आंसर यही है। अब हमारा एम क्या है? 25 × 2 = 15, 7 × 7 = 49, तो अप्रॉक्सीमेटली 1 kg। तो यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो 14 मीटर पर सेकंड, एम इज इक्वल टू 1 kg रहेगा। गतिज ऊर्जा हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू टू, तो 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, तो 1 को 7 से 7 और 7 को 14 से 98, तो 98 जूल, यानी गतिज ऊर्जा लगभग 4 गुना बढ़ जाएगी। पांचवा प्रश्न देखते हैं, एक बल हमारा 2 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को वेग 5 मीटर से 15 सेकंड कर देता है, बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो करते हैं इसका आंसर। हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है हाफ एम वी स्क्वायर, मास 2 किलो और 2 kg, और जो हमारी वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकंड होगा इस बार, तो इसमें आप 15 लिखेंगे। नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू टू इंटू और सॉरी स्टार्टिंग में 5 मीटर सेकंड, टेन 15 है, तो पहले हम 5 मीटर का निकालेंगे, तो हाफ इंटू टू इंटू 5 × 5, 2 से 2 कट गया, बचा 5 × 5, 25 जूल आ गया इसका। अब दूसरे में 2 किलो ही है पर वेलोसिटी इस बार 15 मीटर पर सेकंड, तो आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2 × 15 × 15, 2 से 2 कट गया, 15 × 15 करेंगे तो 225 जूल। कार्य हमारा गतिज ऊर्जा के परिवर्तन
माइनस 200 जूल का आया है, तो आप इसे कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज।